सब्सक्राइब करें आवाज नेशनल न्यूज और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि हमारी अपडेट सबसे पहले आपको मिले। भारत की आजादी को 75 वर्ष पूरा होने पर पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे ही बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में चल रहे 12 दिवसीय हुनर हाट का 40वां संस्करण मुंबईकरों के लिए एक आकर्षक केंद्र बना है। हुनर हाट में पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण का संगम मुंबई में बीकेसी के स्थित एमएमआरडीए ग्राउंड में देखने मिल रहा है, तो वही 31 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की इन दुकानों में लगभग सारा संसार समाया हुआ है, जहां देश भर के 400 से अधिक विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए गए हैं। कहने का मतलब साफ है कि 400 से अधिक इन स्टॉलों के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के वास्तविक सार का अनुभव हम सभी को होता है। मुंबई के बांद्रा बीकेसी इलाके में हुनर हाट की शुरुआत बीजेपी द्वारा की गई, जहां पर ये 16 अप्रैल से 27 अप्रैल तक चलने वाला है, जहां पर जो देश के अपने अलग अलग राज्यों में रहने वाले लोग हैं, गरीब तबके के जो व्यापारी हैं जिनके पास दुकानें नहीं हैं लेकिन हुनर उनके पास काफ़ी है, ऐसे हुनरबाजों के लिए बीजेपी द्वारा बीकेसी इलाके में एग्जीबिशन की शुरुआत की गई, जिसे लेकर यहाँ पर काफ़ी लोगों में उत्साह देखने मिल रहा है। आपको एक नज़ारा हम यहाँ पर दिखाएंगे जहाँ पर कई लोग जो हैं अपनी दुकानें लगाकर बैठे हुए हैं। जैसे हम सामने कोने कोने से बताना चाहेंगे आपको, यहाँ पे कई तरीके के शिल्पकार दुकानदार जो अपने देश का हम कहें अलग अलग जो हमारे देश में लोग रहते हैं रहवासी हैं या हम कहें राज्य हैं, अपने अपने टैलेंट को लेकर यहाँ पर लोग आए हुए हैं। जिस तरीके से हमारे आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर हुनर हाट में कश्मीर खेवा ड्राई फ्रूट्स की एक दुकान है, जहाँ पर कश्मीर से लोग आते हैं, वो अपने जो बगीचे हैं वहाँ से ड्राई फ्रूट को इकट्ठा करते हैं, उसके बाद अलग अलग राज्यों में जाकर उसे बेचने का काम करते हैं और अपना घर चलाने का काम करते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे सबसे पहले। मेरा नाम है मिर्जा निसार हुसैन। मिर्जा भाई, कितने सालों से ये ड्राई फ्रूट बेच रहे हैं आप? मैं ये 3 सालों से बेच रहा हूँ इसमें, ये जो हुनर हाट में। हुनर हाट के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि जैसे आपके जैसे लोग हैं जिनको बहुत सारे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है और इस तरीके की चीज़ें अगर ऑर्गेनाइज की जाती है सिर्फ मुंबई नहीं देश के अलग अलग कोनों में, तो इससे आप लोगों को कितना फ़ायदा मिलता है? इससे हमारे को बहुत फ़ायदा हुआ। एक तो हमारे कस्टमर भी बनते हैं यहाँ, जिसे हम ऑनलाइन भी बेचते हैं पार्सल करके, फिर हमारे ऑर्डर भी आते हैं और यहाँ भी हमारा काम होता है हुनर हाट में, जिसे 10-12 दिन लगता है, ठीक है, फिर जो है आने जाने का खर्चा भी देती है सरकार। तो इससे बहुत ही बड़ा फ़ायदा हुआ है, जो निचले तबके के लोग हैं जिनके पास रोज़गार नहीं था या जिनके पास दुकान जो सोच भी नहीं सकते यार दुकान ले लें हम, फिर उसमें दुकान का किराया वो ये सब, फिर वो कस्टमर यहाँ पे जो है हुनर हाट में, एक तो दुकान फ्री की मिल रही है, दूसरा ये है यहाँ कस्टमर भी बनता है, अच्छा प्लेटफार्म है, बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है। मैनेजमेंट के थ्रू भी, सरकार के थ्रू भी ये बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। हर
जगह हर स्टेट में लगा रहे हैं और हम चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर में भी लगे। ये कश्मीर में अभी तक इन्होंने लगाया नहीं, हम चाहते हैं कश्मीर में भी लगे, वहाँ भी लोगों को पता चले। मेरा नाम MD अलालुद्दीन है, मैं असम से आया हूँ। जितने सामान है सारा कैनन बेम्बू से बनता है, ये हाथ का कारीगरी है, हम लोग खुद बनता है ये घर पे, और यहाँ पे आने में हम लोग को बहुत फ़ायदा मिलता है। और हुनर हाट का जितना मेला होता है उसी में बहुत फ़ायदा है, और घर पे बहुत सामान हम लोग को पड़ गया था, उसी में इसी मुंबई का हुनर हाट में हम मिलने के बाद हम लोग को बहुत कम हुआ। जन्मभूमि हरिद्वार का रहने वाला हूँ, रुड़की हरिद्वार, जो जन्म मेरी जन्म माता भूमि है जिसको कहते हैं। हुनर हाट में कब से जुड़े? हुनर हाट में मुझे तो ये दूसरा तीसरा प्रोग्राम मिला है मेरे भाई जान ने, उन्होंने बुलाया है, अधिकारी लोगों ने, उनका मान सम्मान है बहुत ज़्यादा, उन्होंने बेचारों ने मुझे फ़ोन करके बुलाया है, मैं उनके फ़ोन के उससे आया हूँ भाई मेरे, और मुझे तीसरा चौथा प्रोग्राम मिला है। और ये हरिद्वार रुड़की के अलावा और कहीं एटम नहीं बनती, कहने का मकसद भी है, ये एंटिक सामान है जो हमारे बुज़ुर्ग पहले बनाते थे ना, आगे जो परंपरा जो पुरानी चलती आ रही थी वो हमारे बुज़ुर्ग हमें छोड़ गए हैं, अब आगे हम उसमें लगे हुए हैं मेरे राजा जी। दूसरा ये है अब्बास नकवी जी का, मैं बहुत दिल से गुजार मतलब बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, अब्बास नकवी जी की वजह से हम यहाँ पे आए हैं और मोदी जी की वजह से हम यहाँ आए हैं, उन्होंने हुनर हाट को बहुत तरक्की दी है, गरीब आदमियों का बहुत भला किया है और बहुत गरीब आदमियों का भला कर रहे हैं मोदी जी अब्बास नकवी जी, मेरा उनको सलाम भी है। मेरा नाम इमरान है, मैं आगरा से आया हूँ। हुनर हाट से अभी हम 2021 से जुड़े हैं और इससे बहुत फ़ायदा है हमें, पहली बार ये प्लेटफॉर्म मिला है हमें, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, और ये हमारा मार्बल का प्रोडक्ट है, इधर लेकर के आते हैं सारा हैंड वर्क है, ये पूरा सारा हाथ का वर्क है, जैसे मार्बल के फाउंटेन हैं, ये सारे एलिफेंट वगैरह हैं, पूरे फ्लावर पॉट हैं ये लगे हुए हैं, हमारे फाउंटेन वगैरह सारा मार्बल का है पूरा। हुनर हाट के लिए हम एक अच्छी जो हमको ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी का, नकवी साहब का, जो हमको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया इन्होंने, और हमको पहली बार ये प्लेटफॉर्म मिला है, तो हम चाहते हैं कि इसी प्लेटफॉर्म में हम चलते रहें। आपने देखा मुंबई के बांद्रा इस बीकेसी इलाके में जिस तरीके से साजा जो दुकानें हैं वो सजी हुई हैं, लोग जो हैं अपने घरों से निकलकर आ रहे हैं और यहाँ के नज़ारे का जो है लुत्फ़ उठा रहे हैं, साथ ही साथ अलग अलग कला के जो माध्यम से जो है चीज़ें लोगों के सामने जो है BJP द्वारा लाई गई है, ऐसी दुकानें सजाई गई हैं जो अलग अलग राज्यों में रहते हैं अपने हुनर के लिए जाने जाते हैं, उन्हें एक जगह पर एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम जो है मुंबई के बीकेसी इस ग्राउंड में किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुप्रिया के साथ प्रेमलता मौर्य, आवाज़ नेशनल न्यूज़, मुंबई।